नाहे धोए का भये जब मन का महल न जाए, मछली रहती जल में धोए बास न जाए। सलाम दोस्तों, मैं अल्ताफ बेग आज एक नई वीडियो के साथ आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। जिन भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है मिलती रहे। आज की ये वीडियो दोस्तों कबूतरों को किस तरह रोटी के भोरे खिलाने हैं आपको मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रोटी मैंने बनाई, थोड़ी जाड़ी रोटी बनाना है और इसको आधी सेकना है, कच्ची पक्की इस तरह, ठीक है। और इसको इस तरह उंगली से इसके छोटे छोटे भोरे बनाना है, ये आप देख सकते हो। कबूतर बहुत शौक से खाते हैं ये चीज़। और ये रोटी किस तरह बनाना है मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो भी देखना। ये आटे में क्या मिलाना है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग इतने प्यार से कबूतरों की सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और फिर बाजियों के चक्कर में, टूर्नामेंट के चक्कर में उनके साथ में जुल्म करते हैं, उनके ऊपर उनको नशा देते, डोपिंग करते हैं, है ना। तो ये सब मत करो भाई, जो भी है उनको नेचुरल चीज़ें दो, कुदरती चीज़ों पे उनको उड़ाओ जितना हो सके। तो ये चीज़ का आप सब ख्याल रखो और अपने दोस्तों को भी बोलो कि ऐसा नहीं करना है, कबूतरों के साथ में जुल्म नहीं करना है, इतना हम उनका ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये भोरे खिला के भी दिखाता हूँ, कबूतर बड़े शौक से खाते हैं। तो ये एक मेरा ट्रे है दोस्तों, ये मैंने खुद बनाया है, मैं इसमें ही ज़्यादातर इनको दाना इसमें ही खिलाता हूँ, अभी आपको बताता हूँ मैं। अभी आप देखिए कितने शौक से ये खाते हैं। और आपको ये भोरे सुबह के वक्त देना है, सुबह इनका नाश्ता, ठीक है। अभी आप देखिए कितने शौक से ये खाएंगे। तो आप देख रहे हो दोस्तों कितने शौक से ये चीज़ ये लोग खा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसी तरह मैं आप लोगों को नई नई वीडियोस शेयर करते रहूँगा। आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ अल्ताफ बेग आपको अल्लाह हाफिज़ कहता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।